चमन में घूमना चाहता है तो भैया बन हुस्न चमन में अरे घूमना चाहता है और क्या बुलबुल फसाने दिले चाहे जानते हैं ये सारी दुनिया ठाकुर कौशल सिंह के नाम से मुझे जानती है। आओ चलो पहचाने बात क्या ही और दरबार से अचानक फोन चलता हूं इसका पता लगाता हूं चलता हूं खुश रहो राजवीर से खुश रहो हजूर बहुत देर इंतजार हो गई। अच्छा आपके पिताश्री राज दरबार में बैठे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे पिताजी हमारा इंतजार करते हैं। कोई जरूरी काम है काम को बताया नहीं गया बल्कि आपका ही नहीं। अच्छा आप पूरे परिवार को चलिए हमारे पूरे परिवार का इंतजार करते हैं। हाँ बाबू कुछ काम ये तो आप जानते हैं कि हम आपके दरबार के दो टके के नौकर हैं। हाँ हाँ। और हमारी औकात है कि हम श्री महाराज जी से ये पूछ सके कि हुजूर काम बताइए क्या काम है। हाँ ये बात तो सही है नामुमकिन है ऐसा हमारा पूछना वाजिब नहीं है। तो फिर आओ चलते हैं। आप चलिए और मैं आपके जो छोटे भाई हैं। हाँ हाँ मेरे भैया। हाँ जो फूल सिंह है ना उनको बुला करके मैं ला रहा हूँ। ठीक है माता जी है आपकी सिस्टर जी हैं। बहुत अच्छी बात है बुला करके श्री महाराज के समक्ष पेश। तो ठीक है मैं पिताजी से मिलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। खुश रहो लाल जी प्रणाम। खुश रहो मंत्री जी। पिताजी हुजूर बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो आदेश मिला है वो आदेश श्री महाराज जी के दिल के अंदर कुछ ऐसी उमंगे हैं कि आज वो अपना पूरा परिवार अपने समक्ष राज दरबार में देखना चाहते हैं। यानी पूरे परिवार को महाराज दरबार में याद किए। श्री महाराज जी आपके बेटे कौशल भैया गए फूल सिंह भैया हैं और बेटी है रेखा इन सबको आप कहाँ छोड़ करके आए उन्हें भी लाइए ना। आते ही होंगे। आप चलिए मिलिए और उनको बुला करके मैं आ जाऊँ। चले आप भी चले। द्वारपाल कोई सिंहासन नहीं है क्या महारानी साहब के लिए? आज राजा ने क्या बात है आज पिताजी। हाँ महारानी बैठो। पिताजी आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज सारे परिवार को हमारे पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी हाँ बेटा
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? सुनो पिताजी, क्या क्या बुलाया पिताजी है दरबार में, और तो बताई इस घड़ी कौन लाल। पिताजी आखिर बात क्या है? माताजी भी आ गई हैं। काम क्या है? बताएंगे। अच्छा, ये बोलो, तुम्हारी बहन? हाँ। और तुम्हारे भाई साहब अभी नहीं आए? द्वारपाल? ठीक है, अभी मैं द्वारपाल से कह करके भैया को, हाँ हाँ, बुलाने गए हैं। वो हमारा वफादार है। हाँ, बहुत अच्छा मुंशी है। क्यों नहीं? अरे जब महल गया तो छोटे राजकुमार जी ने कहा कि दरबारी, ठीक, अगर पिताजी ने बुलाया है तो कोई बात नहीं, हम उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। अच्छा, ये आप चलिए दरबार में और हम भाई और बहन आ रहे हैं। बात अच्छी बात। आइए 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 आइए, आने दो, आराम से आने दो, कोई जल्दी नहीं है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आज जाने क्या बात है, तुमसे पूछे बिना मैं बता रहा हूँ कि श्री महाराज जी यानी कि आपके पिता श्री आज राय दरबार में अपना पूरा परिवार देखना चाहते हैं। हो सकता है उनके दिल के अंदर कोई ऐसी बात पैदा हुई हो जो कि उस बात को सभी अपने परिवार के सामने बताना चाहते हैं, तो इसलिए आपकी माता जी पहुंच चुकी हैं पिता श्री जी के पास में, आपके बड़े भैया जी पहुंच चुके हैं और आप और बहन जी शेष रह गए, आप भी चलिए भैया, आओ चलते हम लोग। चलो आओ। हलाल आओ पुत्री आओ। आओ बेटी। छोटे भैया। हाँ भैया, बात क्या है? आखिर आज पूरा परिवार राज दरबार में एकत्रित है। नहीं, क्या बात है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज सारे परिवार को पिताजी बुलाए हैं। खैर चलो, कोई बात नहीं है, जरूर बताएंगे। पिताजी महाराज। हाँ बेटा। क्या बात है, आज आपने सारे परिवार को राज दरबार में एकत्रित कर लिया। पहली बात तो आज राखी का पर्व त्योहार का दिन है पुत्र। हाँ भैया। और अगर वैसे भी हम लोगों को राजमहलों में ना कि दरबार में होना चाहिए। हाँ, लेकिन तो आज आपने तो इस पावन पर्व में पूरे परिवार को राज दरबार में बुलवा लिया। बेटा जी, मैं इसलिए बुलाया हूं कि सबसे पहले आप राखी का त्योहार है। हाँ पिताजी। आप लोग रक्षाबंधन मनाएंगे और हम महारानी से कुछ बातें करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है छोटे भैया, आज सबसे बड़ा शुभ त्योहार रक्षाबंधन का है। जी भैया। तो आज राखी का त्योहार क्यों ना मनाया जाए,
भैया। बोलो बहन। राखी मंगा दो ताकि मैं आपके सुनी कलाई में राखी बांध सकूं। बहुत अच्छी बात है। आप हैं श्रीमान, ये हमारे श्री अमृतलाल भैया मौर्या जी इसी गांव के निवासी हैं। देखे इस दृश्य व सीन की कदर करते हुए देखते हुए भैया जी की तरफ से 21 रुपए का इनाम और पार्टी तरफ भैया जी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है भैया अमृतलाल भैया जी आपके लिए धन्यवाद। राज दरबारी, जानते हो आज ये पावन पर्व राखी का और हमारे बहन की ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द राखी और मिठाई का इंतजाम किया जाए राज दरबार में, क्योंकि आज यही राज दरबार में ही हमारी बहन राखी बांधना चाहती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप ही नहीं बल्कि हर बहने अपने भाइयों की कलाई में एक पवित्र धागा जरूर बांधती हैं। हाँ भैया, दूर है लेकिन ये अपने हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ ऐसा शुभ दिन आता है कि बहन वहां से चल करके भाई के कलाई पे एक पवित्र धागा बांधती है। आज भी मेरे कलाई पे राजकुमार जी मेरी कलाई पे देख ले, ये मेरी बहन की निशानी एक पवित्र धागा है जी। और ये धागा पवित्र धागा होता है, इससे बढ़कर के भाई बहन के प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। सच कहा आपने, में कई प्रकार के प्यार होते हैं, जो प्यार भाई बहन का इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पवित्र होता है वो भाई बहन का प्यार पवित्र होता है। सही कहा है आपने, तो फिर देर मत कीजिए और तत्काल भैया। हाँ बहन, आज सबसे पहले मैं राखी कौशल भैया के हाथों में बांधूंगी। बिल्कुल बहन, ताकि भैया को मेरी चाहे एहसास न हो, चाहे छोटे भैया के कलाई में बांधो। नहीं भैया, तो बात तो बराबर है। सबसे पहले आज तुम्हारे हाथों में, ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बड़े भैया के हाथ में पहले राखी बांधो। हाँ भैया आओ। और भैया मेरे भैया मेरे
भैया। बोल बहन। देखो देखा भैया, बहन की ये हौसलाएं होती हैं, बहन की ये कौशल भैया। हाँ बहन। ये बताओ आज इस रक्षाबंधन के उपलक्ष में आप मुझे क्या दोगे? श्रीमान मानी हमारे भैया जी, देखा भाई बहन का प्यार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अमर है। इस गीत को सुनते हुए, इस दृश्य को देखते हुए मानी हमारे भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का इनाम है, और पार्टी तरफ से मानवर जी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत एवं धन्यवाद। बहन। हाँ भैया। तुम मुझसे कहती हो। हाँ भैया। कि तुम इस राखी के शुभ अवसर पर। हाँ। मुझे क्या दोगे? ना क्या दोगे भैया? बहन, ये तुम्हारे भैया कौशल के ये वादा रहा, याद तुमने मेरे कलाई पे राखी बांधी है। हाँ भैया। आज ये कौशल भैया ये वादा करता है कि तुम्हें वो चीज देगा। क्या? कि हो तो कोई भाई ना दिया है, ना ही कभी देगा। भैया क्या आप इतना बड़ा मुझे तोहफा दोगे? बहुत बड़ा बहन तोहफा। कि काश कोई भाई नहीं दिया होगा। हाँ बहन, ये मेरा वादा रहा। बहन, भैया बतलाना नहीं चाहते लेकिन अपने दिल में उस बात को छुपा कर रखा है, और जिस दिन वो घड़ी आएगी भैया आपको बहुत बड़ा तोहफा देंगे। ठीक है भैया। हाँ बहन। लेकिन भैया दूंगा। बोल बहन। भैया आप मुझे क्या दोगे? मैं? हाँ। अरे पगली, तू एक बार जुबान तो हिला। देखे आप श्रीमान हमारे विजय नाथ भैया, ये लोधी राजपूत जी इसी गांव के निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम, और पार्टी तरफ भैया जी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी भाइयों को धन्यवाद। और भैया फूल सिंह। बोल बहन। आप मुझे क्या दोगे? बहन। हाँ भैया। तू एक बार अपनी जुबान तो हिला, एक बार अपने मुंह से बोल तुझे चाहिए क्या? भैया। अरे ऊपर वाले ने वो सब कुछ हमें दिया है, मैं अपनी बहन के लिए और कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वादा करता हूं, अगर कभी वक्त आया तो मैं तेरे लिए अपनी जान निछावर कर दूंगा। मेरी भैया। भैया इससे बढ़कर के भाई के पास में और कौन सा तो? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्यार चाहिए भैया। क्या बात है, आप दोनों लोग सलामत रहें, मुझे यही उम्मीद है। मेरी बहन। भैया। के मेरी बहना और मेरी भैया, के मेरी बहना और ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। और बहन भैया ये राखी त्योहार हो गया, अब चलो
पिता श्री जी के पास में आ और माता श्री जी के पास में चलो। हाँ भैया, वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं और वो आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई भैया, उनके विचारों को भी सुनना जरूरी है। हाँ वो तो जरूर सुनना तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन उतनी समय से देख रहा हूँ क्या हम लोग आपस में इस पावन पर्व को मना रहे हैं और हमारे पिताजी महाराज के आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं। क्या भैया, यही तो हम भी देख रहे हैं। आखिर खुशी क्या हुआ भाई? बहन के दिल के अंदर एक उल्लास है, एक खुशी है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी होते हुए भी श्री महाराज की गम में डूबे जा रहे हैं, आंखों से अश्रु धारा जारी है, इसका कारण क्या है? जरूर जानूंगा, पूछूंगा पिताजी महाराज से आखिर बात क्या है। और भैया कहा? भैया कॉलेज नहीं जाना? जाना है मुझे तो। अगर जाना है तो चलिए। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना है। हाँ हाँ भैया, और आपसे एक घंटे बाद जाता हूँ, ये तो रोज का काम है मेरा। तो ठीक है, तो आप चले और मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया, मैं चलता हूँ। भैया प्रणाम। भैया बहन तू इधर बैठ और मैं पिताजी महाराज से कुछ जानना चाहूंगा। पूछो भैया। पिताजी महाराज हम आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ बेटी कहो, क्या जानना चाहती? और पिताजी बात है कैसी कि पिताजी बात है कैसी और की बात अश्क लाई लाल। पिताजी महाराज तुम जानना चाहते हो मैं किस गम में डूबा हूँ? अवश्य पिताजी महाराज। और मेरी क्यों आंखों में आंसू आ गए? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस पावन पर्व में, इस पावन पर्व पर खुशी ना होकर, चेहरे पर मुस्कान ना होकर आपकी आंखें डबडबा आई, और इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। सुनो बेटा, और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी जिगर में बेकरारी है।
पिताजी महाराज। और द्वारपाल सुनो हमारी बात, अगर हमारी बेटी को एक दिन ये शादी रचाएंगे। राजकुमार जी की तमन्ना है कि हुजूर पिताजी आप चिंता मत करें, एक दिन मैं अपनी बहन को खुद अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा। और जो हमारी बेटी से शादी करेगा मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे आप? आपकी क्या प्रतिज्ञा है? अरे हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाए महाराज। अरे हमारी लाडली बेटी से चौबीस शादी रचाएगा, मैं उसे आधी रैयत का मालिक बना दूंगा। महाराज यदि आप आधी रैयत के मालिक हाँ को बना दोगे और आधे में ये आधे में फूल सिंह, तो मेरा बेटा कौशल सिंह कहा जाएगा। अरे आधा राज कौशल सिंह का हो गया और आधा उसी में फूल सिंह का हो गया। देखा अरे बेटी भी तो आपकी भी तो बेटी है, जैसे हमारी बेटी वैसे आपकी बेटी। अरे हमारी कोई बेटी बेटी नहीं है, ये तो सौतेली है। ये महारानी, ये हमारा कल फैसला है और हमने निर्णय ले लिया है कि जो कोई हमारी बेटी से शादी करेगा उसे अधिराज का मालिक बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन महाराज ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, यह हमारा फैसला है। अच्छा महल जाओ। ठीक है जा रही हूं। जी राज दरबारी जाओ हमारी बेटी को। अपने पिताजी ने अभी क्या ऐलान किया है? देखे साहब, श्री महाराज जी का ऐलान सच है और ऐलान ऐसे होना चाहिए। पहली बात वो नेत्रहीन है राजकुमार। तो फिर एक काम करो, सारे रियासत में इस बात का ऐलान कर दिया जाए, जो हमारी बहन रेखा से शादी रचाएगा वो इस रियासत के आधे का हकदार होगा। ये बात मैं जाकर अपने दोस्तों में शेयर करता हूँ और आप पूरे रियासत में मना दी पीट दें। ठीक है राजकुमार, ये सारे रियासत में मैं चारों ओर खबर भिजवा दूंगा। मुनादी पीट दो, मुनादी कर दूंगा। राजकुमार इधर आओ, बेटी को ले जाओ और जाकर के महल तक छोड़ने की तकलीफ कीजिए। जाओ और द्वारपाल इसी खुशी में जी जाओ, जहां तक हमारा राज है जी जी वहां तक मुनादी कर दो। बिल्कुल साफ मुनादी कर दूंगा कि जो हमारी बेटी से शादी करेगा वहां के सम्राट उसे आधे राज का मालिक बनाएगी। चाहिए हमारे आसाम नगर में ये खबर मैं सारे आसाम नगर में ढिंढोरा करके सभी लोगों कानों तक पहुंचा, जहां तक हो सके। ठीक,